Everyone, welcome to our channel Panacea for Competitive Examinations and I'm Shweta. अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके TCS examinations के लिए इम्पोर्टेंट है. सो आज है डे 18. अभी तक हमने 17 क्लासेस कर लिया है. करंट अफेयर की प्लेलिस्ट से ये आपको मिल जाएंगे. एंड जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन में इन्हीं क्वेश्चंस को देख सकते हो. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च द फर्स्ट डिजेबल एस्ट्रोनॉट इन स्पेस. क्वेश्चन समझ में आया है ना यहाँ पे. सो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो प्लान कर रही है जो डिजेबल जो डिजेबल पर्सन है ना उनको स्पेस में भेजने के लिए. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ESA. सो ESA का फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे. यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ओके सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है प्लान किया है कि ये एक डिजेबल पर्सन को डिजेबल एस्ट्रोनॉट को जो है स्पेस में भेजने वाली है. अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है. पेरिस में है. एंड अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करते हैं तो 1975 में हुआ था. सो यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के स्पेस एजेंसी को यहाँ पे फाउंडेशन ईयर पूछा नहीं जा सकता है. पर बात यह है कि अगर यहाँ पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये इम्पोर्टेंट है तो इसके फाउंडेशन ईयर पूछा जा सकता है. तो एक बार देख लीजिए ठीक है. सो नेक्स्ट वन देखते हैं. सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस ₹3 करोड़ एज अ कैश प्राइज फॉर गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स. सो क्वेश्चन समझ रहे हो ना. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का कैश प्राइज जो है अनाउंस किया है जिसको भी टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आएगा. सो वो कौन सी स्टेट है. तो वो है तमिलनाडु. सो तमिलनाडु ने अनाउंस किया है 3 करोड़ रुपीस. ओके सो अगर हम ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हमारे कब से 23 जुलाई को स्टार्ट होंगे और एंड कब होते हैं 8 अगस्त को. कहाँ पे होंगे. टोक्यो जापान में हो रहे हैं. एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है तो 23 जून को मनाया जाता है. अगर यहाँ पे हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर कौन है. M.K. Stalin इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर. ओके नेक्स्ट गवर्नर की बात करते हैं कौन है. बनवारी लाल पुरोहित है. देन लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में है 39 सीट्स तमिलनाडु में और राज्यसभा में है 18 सीट्स. ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हेन द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड. सो कब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है मनाया जाता है. तो आंसर आपका हो जाएगा 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं. तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मार्क करते हुए हम स्टैटिस्टिक्स डे मना रहे हैं. तो प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महलानोबिस. सो आपको महलानोबिस तो पता ही होगा. सो महलानोबिस जो है यहाँ पे आपका फायर सेकंड फायर प्लान जो है इन्हीं के जो है स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है सेकंड फायर प्लान. ओके पता ही होगा आप सारे लोगों को. सो याद रख लीजिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट वन देखते हैं. सो द झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इज टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन व्हिच स्टेट. सो झारखंड के क्रिकेट एसोसिएशन एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है एस्टैब्लिश करने वाली है. तो वो कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश करने वाली है. तो आंसर आपका हो जाएगा बोकारो. सो बोकारो विल बी योर राइट आंसर. अगर हम चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड की बात करते हैं तो कौन है. हेमंत सोरेन. नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है. द्रौपदी मुर्मू. ओके एंड नेक्स्ट
यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करेंगे। लोकसभा में है 14 सीट्स एंड राज्यसभा में है 6 सीट्स झारखंड में। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंडियन सिटी जेन गार्डन एंड काइजन एकेडमी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो कौन से इंडियन सिटी में जो है लॉन्च किया गया है एक गार्डन एंड एकेडमी नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद विल बी योर राइट आंसर। सो अहमदाबाद जो है कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। ओके सो गुजरात की चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे कौन है, विजय रूपानी विल बी योर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। देन गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है, आचार्य देवव्रत, राइट। एंड यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा की सीट्स की बात करेंगे तो लोकसभा में है 26 सीट्स एंड राज्यसभा में 11 सीट्स। थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात की बात करेंगे तो ब्लैकबक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और वंसडा नेशनल पार्क थोड़े इम्पोर्टेंट है यहाँ के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसरो इज स्केड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट अनक्रूड मिशन इन विच मंथ ऑफ दिस ईयर। सो इसरो ने जो है स्केड्यूल किया है उसकी एक मिशन की लॉन्च के लिए, तो वो कौन से मंथ में जो है लॉन्च होने वाली है, तो आंसर यहाँ पे दिसंबर 2021 विल बी योर राइट आंसर। सो ये जो है ना गगनयान के मिशन के ही पार्ट है ये जो लॉन्च होने वाली है। ये जो है कब लॉन्च होने वाली है, दिसंबर 2021 में लॉन्च होगी। अगर हम इसरो की बात करेंगे सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर या एस्टेब्लिश्ड ईयर देखते हैं तो 15 अगस्त 1969 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो फाउंडर कौन है, सारे लोगों को तो पता ही होगा, विक्रम साराभाई इज द फाउंडर ऑफ इसरो। अगर इसकी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो बेंगलुरु में है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर्स है। देन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चेयरमैन की बात करेंगे सो चेयरमैन हु इज द चेयरमैन, के सिवन इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है यूनाइटेड नेशंस के फूड प्रोग्राम के साथ यहाँ पे कोलैब किया है, तो इम्प्रूव किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेके उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है या कोलैबोरेट किया गया है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओडिशा। सो ओडिशा ने जो है फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के साथ यहाँ पे कोलैब कर लिया है। सो अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में तो इनका जो एस्टैब्लिश ईयर है ना, 1 जनवरी 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम इटली में है इसका हेडक्वार्टर्स। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे 2020 में वर्ल्ड सॉरी नोबल प्राइज जो है, नोबल पीस नोबल प्राइज, नोबल पीस प्राइज जो है इन्हीं को मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। सो अगर इनके बारे में और बात करेंगे तो ये जो है कोलैब कर रही है ओडिशा के साथ। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा का, नवीन पटनायक है। एंड गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है, गणेशी लाल है। एंड लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा में है 21, राज्यसभा में है 10। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड परमिशन टू इंपोर्ट मॉडर्नास कोविड-19 वैक्सीन। सो यहाँ पे कौन सी कंपनी को परमिशन मिला है इस कंपनी का कोविड वैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए, सिफ्ला विल बी योर राइट आंसर। इसको ओनली इमरजेंसी यूज के लिए जो है
परमिशन दिया है. ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज प्रॉमिस 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ईच फैमिली इन पंजाब अहेड ऑफ असेंबली पोल्स नेक्स्ट ईयर. सो यहाँ पे किसने प्रॉमिस किया है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पंजाब में? तो आंसर आपका हो जाएगा अरविंद केजरीवाल. बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह. पर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने परमिशन दिया है, सॉरी या प्रॉमिस किया है. ओके सो नेक्स्ट देखना, यहाँ पे अमरिंदर सिंह जो है चीफ मिनिस्टर है पंजाब का. ओके एंड नेक्स्ट हम गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? विजेंद्रपाल सिंह जो है गवर्नर है. नेक्स्ट यहाँ पे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की बात करते हैं. दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? अनिल बैजल इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. एंड यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे पंजाब की लोकसभा सीट्स की बात करते हैं तो 13 है, राज्यसभा की बात करते हैं तो 7 है. एंड नेक्स्ट हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में लोकसभा सीट्स कितने हैं? 7 है. राज्यसभा की बात करते हैं तो 3 है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो सो द पीएम मोदी पेड होमेज टू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑन हिज विच बर्थ एनिवर्सरी? सो हम बंकिम चंद्र जी को तो जानते ही है. हमारे इन्होंने क्या किया है, कंपोज किया है हमारे नेशनल सॉन्ग को. ओके सो हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को कंपोज किया है बंकिम चंद्र जी ने. सो इन्हीं को जो है, इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान रखते हुए नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इनको हॉनर किया है या रेस्पेक्ट दिया है इन्हीं के जो है 183rd बर्थ एनिवर्सरी पे. ओके याद रख लीजिए, ये हमारे बंकिम चंद्र जी जो है इंडियन, ये एक नॉवेलिस्ट भी थे, एक पोएट भी थे. ओके इनका जन्म जो है 27th of June को हुआ था, याद रख लीजिए. ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे APED है फैसिलिटेटेड एक्सपोर्ट ऑफ बर्मीज ग्रेप्स लेटुकू टू दुबई फ्रॉम विच स्टेट? क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? तो ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है APEDA का फुल फॉर्म है. ओके सो यहाँ पे APED ने जो है एक्सपोर्ट किया है बर्मीसी ग्रेप्स. इसको यहाँ पे आंसर आपका असम हो जाता है. सो बर्मीसी ग्रेप्स को जो है असामी लैंग्वेज में लेटुकू जो है बोला जाता है. इनको जो है एक्सपोर्ट किया गया है दुबई को. अगर हम असम से, सो आसाम से कौन से सिटी से जो है इनको एक्सपोर्ट किया गया है, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो गुवाहाटी विल बी योर राइट आंसर. ओके सो गुवाहाटी आसाम से जो है इनको एक्सपोर्ट किया गया है, याद रख लीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना? सो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा ये योजना या स्कीम जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली विल बी योर राइट आंसर. सो यहाँ पे इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अगर इनके फैमिली में किसी एक का, ओके, कोविड की वजह से डेथ हो गया है जो अर्न करता था. सो उनको जो है ये स्कीम अवेल कर सकते हैं वो लोग. ओके सो अगर हम दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल है, गवर्नर की बात करते हैं तो अनिल बैजल है. ओके लोकसभा की या राज्यसभा की बात करते हैं तो 7 एंड 3 सीट्स है, याद रख लीजिए. इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स रिपीट कर रही हूँ, इनको याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. ठीक है ना? सो यही है आज के क्वेश्चन, होप आपको अच्छे लगे होंगे. अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो. एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले सेशन में कल. बाय बाय.